औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के सबसे विकसित शहरों में से एक है। ये शहर अपनी अजंता एलोरा की गुफाओं और बीबी के मकबरे के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। औरंगाबाद भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर 52 प्रवेश द्वार मौजूद हैं। इसी कारण से इस शहर को द सिटी ऑफ गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी भी है। औरंगाबाद ही भारत का वह शहर है जहां पर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा पानी का बांध भी मौजूद है। लगभग 139 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए औरंगाबाद शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र का 5वां और भारत का 43वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगाबाद शहर में 51% हिंदू, 30% मुस्लिम, 15% बुद्धिस्ट व 4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। औरंगाबाद शहर की साक्षरता दर 69% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र का 23वां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला शहर भी है। औरंगाबाद जिला कुल 9 तालुकाओं में बटा हुआ है जिनमें औरंगाबाद, सिल्लोद, सोएगांव, वैजापुर, गंगापुर, पैठान, फूलंबरी, कन्नड़ और खुलताबाद शामिल है। सन 1590 के कालखंड के दौरान मलिक अंबर नाम के अफ्रीकी शासक ने इस ऐतिहासिक शहर को खड़की के नाम से बसाया था। सन 1626 में जब मलिक अंबर एक युद्ध के दौरान मारा गया तब इस शहर पर उसके बेटे फतेह खान ने अपना अस्तित्व जमा लिया था। उसके बाद सन 1636 में जब औरंगजेब को डेकन का सूबेदार बनाया गया तब क्रूर औरंगजेब ने मलिक अंबर के बेटे फतेह खान को युद्ध में हराकर इस शहर पर अपना कब्जा करके शहर का नाम खड़की से औरंगाबाद में स्थानांतरित कर दिया था, जो आज भी पूरे भारतवर्ष में औरंगाबाद के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु कुछ वर्षों से शहर का नाम बदले जाने की मांग काफी तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर का नाम औरंगाबाद से बदलकर संभाजी नगर होना चाहिए। हो सकता है जब आप मेरा ये वीडियो भविष्य में देख रहे हो तब इस शहर को संभाजी नगर से संबोधित किया जाने लगे। कई सारी बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्मों ने भी औरंगाबाद शहर की संस्कृति और यहाँ की खूबसूरत वादियों को पूरी तरह से कैद किया है, जिनमें MS धोनी, जून, डिसीजन, नक्षत्र, आभी जा और इनक्रेडिबल इंडिया जैसी कई धमाकेदार फिल्में शामिल हैं। पुणे, नागपुर व नासिक के बाद औरंगाबाद शहर को महाराष्ट्र का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, जिनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, MGM मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आदि यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से औरंगाबाद शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, औरंगाबाद शहर में कुल 10 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं जिनमें औरंगाबाद, लासुर, रोटेगांव, पंढरपुर, दौलताबाद, परसोडा, मुकुंदवाड़ी हॉल्ट, पोटुल, चिकलथान और करमाड रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसमें से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। शहर के पदमपुरा क्षेत्र में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद मनमाड रेलवे लाइन पर मौजूद है। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस, नंदीग्राम एक्सप्रेस, पुणे स्पेशल जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, औरंगाबाद शहर के CBS रोड पर मौजूद औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद का ये बस अड्डा महाराष्ट्र के सबसे साफ सुथरे बस अड्डों में से एक भी है। वायु मार्ग, औरंगाबाद शहर से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर मौजूद औरंगाबाद एयरपोर्ट महाराष्ट्र का 6ठा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी है। लगभग 557 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ औरंगाबाद का ये हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी औरंगाबाद शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना औरंगाबाद शहर का भ्रमण अधूरा है।
दौलताबाद का किला। औरंगाबाद शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर दौलताबाद नामक कस्बे में मौजूद है ऐतिहासिक दौलताबाद का किला। किले का निर्माण आज से दशकों पहले 12वीं सदी के दौरान राजा भीलम यादव के द्वारा करवाया गया था। समय बीतने के साथ साथ 14वीं सदी में इस किले को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया और नाम दिया दौलताबाद, जिसका अर्थ होता है समृद्धि का नगर। आज भी इस खूबसूरत किले को महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। किले के अंदर चांद मीनार और चीनी महल सहित कई अलग विभिन्न संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए आज भी कई सारे पर्यटक यहां पर खींचे चले आते हैं। बीबी का मकबरा। औरंगाबाद शहर के बीचों बीच मौजूद बीबी का मकबरा किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर आपका भी बजट कम है और आप औरंगाबाद में ही रहकर ताजमहल का भ्रमण करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी बानो बेगम के लिए सन 1651 में बनवाया था। मकबरे का ढांचा ताजमहल से मिलता जुलता है, इसी कारण इस मकबरे को डेक्कन का ताज भी बोला जाता है। अजंता की गुफाएं। औरंगाबाद शहर से लगभग 98 किलोमीटर दूर मौजूद अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक हैं। गुफाओं का निर्माण लगभग 30 चट्टानों को काट कर किया गया है। वह ये गुफाएं बौद्ध स्मारक का प्रतीत भी मानी जाती हैं। इन ऐतिहासिक गुफाओं को घोड़े की नाल की आकार के पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। आज भी पर्यटक यहाँ पर इतिहास को वर्तमान में खोजने के लिए इस स्थान पर खिंचे चले आते हैं। जैकवाड़ी डैम। औरंगाबाद शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मौजूद जैकवाड़ी डैम महाराष्ट्र राज्य की दूसरी सबसे बड़ी डैम भी है। डैम का उद्घाटन 24 फरवरी 1976 को इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था। बांध को बनाने का मुख्य कारण आसपास के गांव को सिंचाई देने के लिए किया गया था। आज भी यहाँ पर स्थानीय सैलानी इस बांध की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। H2O वाटर पार्क। औरंगाबाद शहर के दौलताबाद इलाके में मौजूद H2O वाटर पार्क औरंगाबाद शहर का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है। वाटर पार्क के अंदर कई सारी एडवेंचरस राइड्स भी मौजूद हैं, जिनमें किंग कोबरा राइड, ट्विस्टर स्लाइड, फॉरेस्ट जंप स्लाइड, कमी केज राइड आदि यहाँ की अन्य राइड मौजूद हैं। अगर आप भी अपने दिन का कुछ समय एडवेंचरस तरीके से बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आएं। औरंगाबाद नया स्मार्ट सिटी तो बन ही रहा है, देश की औद्योगिक गतिविधियों का भी बड़ा सेंटर होने